My name is Daksham Raval. I hope that you have learned how to solve 3x3 cube first year in my previous video. Now I am telling you how we can solve second year. Friends, इसमें बस एक ही फॉर्मूला होता है, हमें वही अपनाना होता है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत इजी होता है। फ्रेंड्स, देखने में जितना इजी लगता है उतना होता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मुझे कोई एक ऐसी एच पीस ढूंढनी पड़ेगी जो दो कलर्स की कॉमन हो, जैसे कि ये रेड और ब्लू। आप सोच रहे होंगे कि चलिए हम रेड और येलो चूज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे नहीं चलेगा, आपको आजू बाजू के चूज करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने रेड और ब्लू चूज किया। मैं देखूंगा कि यहाँ पे लगने वाली एच पीस कहाँ पर है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ब्लू और ये रेड। तो ब्लू ऊपर है, तो मुझे ब्लू को ब्लू से मैच करना है। फ्रेंड्स, तो देखिए, ये ब्लू टू ब्लू मैच हो गया। अब मेरी एच पीस मुझे लेफ्ट में लगानी है, तो मैं राइट में घुमाऊंगा। अगर आपकी एच पीस राइट में आती है तो आप लेफ्ट में घुमाइए। ये मैंने घुमा दिया राइट में। फिर वो लेफ्ट में लगनी है, तो मैं लेफ्ट ईयर डाउन करूंगा। आपका राइट में लगना है तो आप राइट ईयर डाउन करिए। फिर मैंने उसको राइट में घुमाया था, तो मैं लेफ्ट में घुमाऊंगा। फिर लेफ्ट ईयर जो मैं नीचे लेके आया था व्हाइट की, वो ऊपर कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरा एक कॉर्नर पीस ऊपर का डिस्टर्ब हो चुका है, वो यहाँ पर है। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में सिखा दिया था कि हम कैसे कॉर्नर पीस लगा सकते हैं। चलिए एक बार दोबारा आपको रीकैप करा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये ब्लू टू ब्लू मैच है, ये व्हाइट मुझे ऊपर लगाना है, तो मैं इसको एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दूंगा ऐसे। फिर वो जो जिस एच पीस के साथ वो मिलेगा, वो एच पीस मैं नीचे कर दूंगा। फ्रेंड्स, फिर बॉटम लेयर को मैं, वो मतलब मेरे कॉर्नर पीस को मैं एच पीस के साथ मिला दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ये मेरे एच पीस के साथ कॉर्नर पीस मिल चुका है, मैं इसको ऊपर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, इसी तरह ये रेड और ब्लू एच पीस मेरी लग चुकी है। तो चलते हैं अब दूसरी एच पीस की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे अब मैंने ग्रीन और रेड चूज किया, तो मुझे अब वो एच पीस ढूंढनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रही मेरी रेड और ग्रीन एच पीस। तो ये ऊपर रेड है, मुझको रेड को रेड से मैच करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रेड टू रेड मैच हो गया है। अभी भी ये लेफ्ट में ही घूमेगा, तो मैं राइट में घुमा दूंगा। मतलब लेफ्ट में लगेगा, तो मैंने राइट में घुमाया। और अब लेफ्ट लेयर को डाउन करूंगा, फिर बॉटम लेयर को मैं राइट लेगा, तो दोबारा अपनी जगह पे यानी लेफ्ट घुमाऊंगा, फिर लेफ्ट लेयर अप कर दूंगा। फ्रेंड्स, इसी तरह इस स्टेप में मेरा ये जंबल हो गया है। जब मैंने पहली एच पीस की थी तभी सफल हुआ था, तो चलिए इसको दोबारा लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये रेड और ग्रीन एच पीस लग चुकी है। अब मैं ये होप करता हूँ कि आप जान गए होंगे। तो चलिए थर्ड एच पीस मैं थोड़ी फास्ट करता हूँ। अगर आप नहीं समझे तो प्लीज वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। चलिए मैं आपको थर्ड एच पीस पे आपके लिए धीरे करके बताता हूँ। फ्रेंड्स, ऑरेंज और ग्रीन एच पीस मुझे यहाँ लगानी है, तो चलिए ढूंढिए। फ्रेंड्स, ये रही ऑरेंज और ग्रीन एच पीस। तो फ्रेंड्स, ये ऑरेंज को मुझे ऑरेंज से मैच करना पड़ेगा। ये ऑरेंज टू ऑरेंज मैच हो चुका है। ये मेरा अब राइट में लगेगा, तो मैं लेफ्ट में घुमाऊंगा, राइट लेयर को डाउन करूंगा, बॉटम लेयर को लेफ्ट करूंगा, फिर राइट लेयर अप कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, जिसके अब हो चुका है, दोबारा लगा दूंगा इसे। फ्रेंड्स, इस तरह ये लग चुका है ऑरेंज और ग्रीन। अब ब्लू और ऑरेंज मेरी एज पीस ये रही। फ्रेंड्स, मुझे ब्लू को ब्लू से मैच करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, फिर ये मुझे यहाँ लगाना है, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में घुमाऊंगा लेफ्ट में, फिर राइट लेयर को डाउन करूंगा, बॉटम लेयर को राइट, फिर राइट लेयर को अप। फ्रेंड्स, फिर मुझे इसको लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी सेकेंड ईयर हो चुकी है। तो फ्रेंड, ये मेरे क्यूब में यहाँ पे कोई एच पीस आई नहीं जो यहाँ पे ही लगानी थी, पर वो उल्टी सुलटी हो। तो फ्रेंड्स, उसके लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वही सेम फॉर्मूला जो मैंने एच पीस लगाने के लिए किया था, उससे आपकी एच पीस नीचे आ जाएगी, नीचे से आप उसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन से मुझे और वीडियोस आपके लिए बनाने हैं। फ्रेंड्स, चलिए आप मेरे थर्ड लेयर की वीडियो के लिए इंतजार करिए, मैं जल्द ही उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। बाय।